अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की ब्लॉगिंग एक्चुअली मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो रूटीन होती है वो नाश्ता मैं बना के रख चुकी हूँ। अभी मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद जो भी दिन भर की रूटीन होगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और उसके आज एक्चुअली हमारे नेबर में जो है किसी का इंतकाल भी हुआ है और उसकी वजह से हम लोग रात को जो है ना काफ़ी लेट नाइट तक सोए, क्योंकि एक तो शोर शराबा बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हो गया था और उसके अलावा क्या कहते हैं आज फुल डे जो है ना ज़हर ज़ोहर के टाइम का जो है जनाजा है उनके घर पर, और वहाँ पर भी हम लोगों ने शिरकत करनी है। और जो भी दिन भर की रूटीन होगी थोड़ी बहुत वो शेयर करूँगी आपके साथ, और फिर क्योंकि हमें फिर शाम को वहाँ शिरकत भी करनी है। और आज से बच्चों को मैंने खुद पढ़ाना है क्योंकि ट्यूशन वाली टीचर जो थी वो भी लाहौर चली गई, तो वो भी ड्यूटी मैंने सर अंजाम करनी है। आहिस्ता आहिस्ता शेड्यूल बनाएंगे, तो आज कुकिंग करने का कोई ख़ास मूड नहीं है, बस जो भी सिंपल सा बनाऊँगी वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो नाश्ता हमारा जो है ना फाइनली हो चुका है और साथ ही साथ जो है ना आज मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल निकाल के रख दूँ और अभी दोपहर के लिए ना मैं दाल पका लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है शाम का फिर शाम में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं दाल बनाने वाली हूँ। आज आप लोग सोचेंगे इतना खाना ये करती क्या है, तो मेरे घर पे जो है ना एक्चुअली क्या कहते हैं दो मेड जाती हैं, वो हो गई, वो लोग भी खाना खाते हैं और साथ साथ जो है मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जो स्टाफ है वो लोग भी खाना खाते हैं, तो खाना हमारे घर इसलिए ज़्यादा पकता है ताकि वो लोग भी खा सकें और हम लोग भी खा सकें। तो हम लोग बाहर का खाना जैसे आप लोग को पता है कि बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए जो है घर में पकाते हैं हम लोग। अभी दाल को तकरीबन मैंने 20-25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है और अब जो है दूसरे काम करती हूँ। जैसे कि मेरे कमरे में देख लें आप, तकिए इतने ज़्यादा तकिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना सर के नीचे देने के बजाय वो पाँव के नीचे दे के सोते हैं और उनको तकियों की बड़ी ज़रूरत होती है। वो जो है ना पाँव के नीचे रख के फिर उनको नींद आती है जी। तो पहले मैं ये कमरा समेटूंगी, सिमटा सिमटी का काम शुरू हो गया, पेट पूजा होने के बाद जो है ना सिर्फ काम ही होते हैं। अब घर के काम करने के साथ साथ जो है ना मुझे बच्चों को पढ़ाना भी प्रॉपर पड़ेगा, क्योंकि इनकी टीचर जो है वो चली गई हैं लाहौर, और लाहौर जाने के तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद वो आएंगी। और अब बच्चों के जो है ना एग्ज़ाम्स जैसे पेपर होते हैं मिडटर्म वगैरह तो वो भी हो रहे हैं, तो अब जो है प्रॉपर उनके लिए भी टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। हाय अल्लाह, इतने सारे काम होते हैं क्या बताऊँ मैं आपको, बच्चों की पढ़ाइयाँ, घर के काम, प्रॉपर हर चीज़ देखनी पड़ती है। गैलरी में मेरे कबूतर किस तरह से ये बैठे होते हैं, इतने हिले हुए ना, हमसे डरते भी नहीं है ना, उड़ते हैं। चलो नहीं उड़ेगा जब तक कपड़े नहीं हिलाऊंगे, ये देखें अब उड़ेगा, हट जाओ। चलें जी, कपड़े जो है ना अभी पहले ये उतारती हूँ, इनका यूनिफॉर्म इस्त्री करना है, कपड़े कल से फैले हुए। और ये जो है हमारी गैलरी, और गैलरी के साथ साथ आप ये वाला व्यू देखें, ये अच्छा, इसको देख के ना मुझे गांव याद आ जाता है। हम लोग जब गांव जाते हैं ना तो हर तरफ ये हरियाली हरियाली होती है और ये व्यू मेरा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये देख लें, ये यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए मैंने यहाँ रख दिया, जो इस्त्री होते हैं वो टेबल पे रख देती हूँ, और कुछ कपड़े जो मैंने गैलरी से उतारे हैं ये वो हैं। और अब जो है किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, दाल के भगार के लिए जो है ना मैं ये वाला फ्राई पैन यूज़ करती हूँ, इसमें भगार बहुत अच्छा दिलता है और नॉन स्टिक में जो है ना मज़ा नहीं आता मुझे। दाल मैंने वॉश करके रख ली है, अब इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा जी, इस दाल के अंदर जो मसाले डालने वाली हूँ वो मैं डालने वाली हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और इसके अंदर ये डलेगा गरम मसाला, ठीक है जी। और अगर इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं ना उसका जायका बहुत मज़ेदार आता है, तो मैं ये जो हूँ मसाले ओ इसमें डालने वाली हूँ, ठीक है जी। ये देखें मुझसे घिर गया। और इसी के साथ साथ जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल रही हूँ, इससे बहुत मज़ा आता है।
मैं पहले नहीं डालती थी तो इतना मज़े की नहीं पकती थी, मगर अब अच्छी पकती है। तो मैंने तो इसको चढ़ा दिया है, अब जो बाकी काम है अब वो मैं करूँगी, जैसे कि इस्त्री वगैरह, क्योंकि ये तो आराम से बनती है ना। तो अब इसको छोड़ देती हूँ, मेरे किचन का देख लें आप, ये सिचुएशन होती है सुबह में, ठीक है जी, और शाम में तो ए टू जी तक जो है ना पूरा साफ होता है, अभी सब फैला पड़ा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये काम करूँगी मैं। तो हमारे कपड़े जो है ना अभी इस्त्री हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले मैं इस्त्री करके रख देती हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म। लाइट का जो है ना, वैसे जाती तो नहीं है, मेरे घर जनरेटर भी है, मगर फिर भी प्रॉपर करके रख देती हूँ ताकि काम का बर्डन और ना हो। तो ये सारे कपड़े अभी इस्त्री करूँगी। कपड़े हमारे इस्त्री हो चुके हैं, बच्चे जो आके नहा के पहनेंगे ये वो हैं। चलें जी, जब तक मैंने वो काम किए मेरी दाल भी गल चुकी है, और भगार जो है ना अब इसको लगाएंगे तब जब बच्चे खाएंगे खाना, क्योंकि बच्चों को गरम गरम अच्छा लगता है और मेरे बच्चे बिल्कुल फ्रेश खाते हैं। तो जब वो आएंगे तो मैं इसको भगार लगाऊंगी और साथ साथ रोटी बनाऊंगी। सदीम आओ, चले नहाने चलते हैं, आ जाओ। क्यों आओ, पहले नहा लो, तैयार हो जाओ। चलो मेरी जान, फिर आपको नूनू भी तो करनी है, मेरी जानू को छोना नहीं है। आ जाओ, थक जाते हो ना मेरी जान। अच्छा ये तो मैं लूंगी ना, ये तो वैसे भी लेना है मुझे, ठीक है। अदीमा आपको तैयार करूं पहले? चले ठीक है, चलो फिर आप लोग को तैयार करती हूँ पहले। सारी क्रीम टांगों पे लगाओगे, मुंह पे और हाथों पे कुछ भी नहीं लगाना क्या? अब ये रोने लग गया, कहता है वीडियो मत बनाए मेरी। अच्छा जी, बच्चे जो है ना स्कूल से आ गए हैं और इनको मैंने अभी तैयार किया, रेडी वगैरह कराया है। अब इनके लिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट बस दाल को भगा लगाना है और साथ साथ रोटी बनानी है और खाना खिलाऊंगी। और आज हमारी बिल्डिंग में जो है ना थोड़ा शोर शराबा है, डिस्टर्बनेस है, दो चक्कर मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और अभी जनाजे के लिए जो है ले गए मैयत को। आज थोड़ा ऐसा शोर शराबा आता है ना, तो फिर ऐसा अपने घर का माहौल जिस तरह से पहले हमारे यहाँ हुआ था जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ था, कुछ वही यादें वाबस्ता है, ऐसे लगता है कि वही चीखें आ रही हैं कानों में ना। तो आज का दिन जो थोड़ा सा ना बोरिंग है काफ़ी हमारे लिए, डिस्टर्बनेस है। हाँ, एक्चुअली मेरे बच्चे उनको नानी नानी भी बोलते थे, और उस फैमिली से बड़ी अटैचमेंट भी है हमारी बहुत ज़्यादा। पड़ोसी बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं, किस्मत वालों को अच्छे मिलते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी मैं गई हूँ सारे पड़ोसी अच्छे मिले। तो चले किचन में चलते हैं, अभी जो भी है वो देखते हैं। अच्छा अभी पहले इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना पराठा वगैरह बनाया था, तो इसको जो है ना पहले तवे को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, फिर रोटी बना दूंगी। बाहर नहीं जाओ, अंदर आ जाओ, वहाँ बाहर रश हो रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं, चेयर नहीं, चेयर नहीं। जब तक ये लोग खेलना जो है ना अभी स्टार्ट कर चुके हैं, ये लोग खेल रहे हैं और मैं जो हूँ ना अभी किचन में इनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ। दाल जो है ना मेरी जैसी बॉईल होगी ना, बस इसको जो है मैंने भगार लगाना है, और रोटी के लिए मैंने तवा ऑलरेडी रख दिया है। जी मेरी जान, सदीम आपको कुछ कह रहे हैं? चलें जी, फाइनली रोटी भी बन गई है, अब लगाएंगे भगार। और बच्चों को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि शोर कर रहे हैं काफ़ी। जनाब ये हमारी दाल भगार वाली तैयार हो चुकी है, आप इसकी शक्ल देखें। अगर भगार में धनिया और पुदीना अगर आप डालेंगे ना तो उससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और शक्ल भी बहुत खूबसूरत सी आती है। तो अब मैं बच्चों को खाना देती हूँ। चलो जी, आपकी रोटी आ गई, एक आपकी प्लेट है और एक अदीम आपकी। खाना खाओ जल्दी से आप दोनों। चलो शाबाश।
जल्दी जल्दी से खाना खा लो, फिर रेस्ट करो। और ये दोनों बच्चा पार्टी भी आ गए मेरे। और अब जो है ना, ये मकई इन लोगों को इतनी पसंद है, ये लोग खाते रहते हैं हर वक्त जी। तो जनाब, दो बच्चे जो है ना मेरे, ये भी आ गए। अब जो है ना, अब इनकी जो है ना बारी है खिदमत करवाने की, अब इनकी खिदमत करेंगे। और जो दिन भर की रूटीन थी वो भी शेयर की, साथ ही साथ क्या कहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग देखें तो जो इस दुनिया से अभी रुखसत हुई हैं उनके लिए दुआएं खैर कीजिएगा, इसमें ये सबका जारिया होता है। और उसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज थोड़ा सा डिस्टर्बनेस है मेंटली तौर पे, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। और अभी मेरी बेटी आई है तो वो सुन के एकदम से वो भी शॉक्ड हुई है। तो हम लोग जो है ना, अभी बच्चों को मैं रेडी कराऊंगी, रेडी कराने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे और शाम तक मैं नीचे ही वक्त गुजारूंगी, क्योंकि एज अ फैमिली मेम्बर की तरह हैं हम लोग। और अभी जो है ना बस बच्चों का ही वेट कर रही थी, बच्चे आ गए उनको खाना वाना खिलाऊँगी और खाना खिलाने के बाद मैं रेडी होके मैं भी नीचे चल जाऊँगी, फिर हम लोग जो है शाम में आएंगे। तो कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।